गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का दीप प्रज्वलन एवं सेवा शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेनिंग ले रही नर्सिंग छात्राओं को सेवा शपथ ग्रहण करने पर बधाई व शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर नर्सिंग के छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नर्सिंग ही एक ऐसा पेशा है जो कि मानव के दुखों का इलाज करता है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है और उनके दुखों को दूर किया जाता है, जो कि मानव हित में सबसे अच्छा कार्य है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसलिए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज और बीमार व्यक्ति की सेवा करें और उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएं। इस अवसर पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक और नर्सिंग की छात्राएं मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी महाराज और कौन कौन माननीय महेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश प्रोफेसर राजेश सिंह जी, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर जेपी पांडे कुलपति मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय,
प्रोफेसर जुगी सिंह अध्यक्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, मैडम अजीता प्रिंसिपल गुरु गोरखनाथ हेलो विद्यालय नर्सिंग कॉलेज केवल नहीं अभिभावकगण और मेरे सौभाग्यशाली बच्चों, हमको लगता कुछ पॉइंट खराब हो गया। आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ। आज हर तरफ फूली फूल खिले हुए हैं, गेहूं की बालियां आने को आतुर हैं। Yeah.
जिसकी उद्घोषणा करने के लिए हमारी कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रजनन एवं सेवा ग्रहण समारोह मैं मंच पर उदय प्रताप सिंह जी और उसे गोरक्षनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अंकुर वाजपेयी जी आज के इस समारोह में जिनका सानिध्य गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रशिक्षकों को प्राप्त हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी मदन मोहन माथुरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जे पी पांडे जी और श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य डॉक्टर बी एस वसीदार संदीप प्रज्वलन और सेवा शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मैं पूरे कॉलेज परिवार को और खास तौर पर उन सभी प्रशिक्षकों को जिन्होंने आज के इस संदीप प्रज्वलन और सेवा शपथ ग्रहण समारोह में अपनी भागीदारी की है उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि बसंत पंचमी के आज के इस पावन तिथि पर गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और गुरु गोरखनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग अपना दीप प्रज्वलन और सेवा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष करता है और इस वर्ष भी इस परंपरा को उन्होंने अनवरत आगे बढ़ा के रखा है। कुछ चीजें हैं जो वास्तव में हम सबको जानने और सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर पर पिछला एक वर्ष आप सब ने देखा होगा कि किस रूप में पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहा है। ये चुनौती वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम सबके सामने आई थी लेकिन भारत के अंदर सफलतापूर्वक इस चुनौती का मुकाबला हुआ। भारत ने कोरोना से न केवल अपने देश को बचाया अपने देश की 135 करोड़ की आबादी को बचाया बल्कि अपने मित्र देशों के साथ भी सहयोगी बनकर के न केवल दवा बल्कि वहां पर उन्हें स्वास्थ्य की अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के साथ ही जब हम कोरोना पर विजय प्राप्त करने के अंतिम चरण की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने दो वैक्सीन भी लॉन्च की है और सफलतापूर्वक वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को और दूसरे चरण में जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे इन सबको सफलतापूर्वक लगाने के साथ ही अपने मित्र देशों को भी सफलतापूर्वक वैक्सीन पहुंचाने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णय और भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए सर्वे सन्तु निरामया के इस भाव को भारत ने जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया वास्तव में हेल्थ वर्कर्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। कोरोना आने के साथ ही कोरोना के प्रबंधन में क्या कुछ किया जाना चाहिए हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स थे इन्होंने जिस भूमिका का निर्वहन किया वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय रहा है। इसलिए सेवा शपथ ग्रहण समारोह का और भी महत्व बढ़ जाता है। सामान्यतः एक औपचारिकता होती है लेकिन
ये जो प्रशिक्षु हैं, ये प्रशिक्षु आप अपने थ्योरेटिकल पाठ्यक्रम से प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं और प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम जो कुछ भी आप जानेंगे सीखेंगे आपके इस लंबे जीवन के साथ इस सेवा शपथ के साथ ही आपका इस फील्ड का करियर बनना प्रारंभ होगा। इसलिए आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, महत्वपूर्ण जिसे आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कुछ चीजें हैं जो इस फील्ड में कार्य करने वाले लोगों को जानना होगा। एक, बालिकाओं के बारे में जो भी प्रोफेसर जेपी पांडे जी कह रहे थे कि पहले होता क्या था कि नर्सिंग फील्ड में अक्सर हम लोग इस बात पर निर्भर हो जाते थे कि दक्षिण भारतीय से नर्सिंग प्रशिक्षु उपलब्ध हो ही रही हैं तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन आबादी जितनी तेजी के साथ देश की बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या उस रूप में बढ़ पाई? और दूसरा, कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए या भविष्य में कभी कोई ऐसा संकट आसन्न संकट देश के सामने आ जाए, समाज के सामने आ जाए, उस समय की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हम लोगों ने लॉजिस्टिक को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया, प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी साथ साथ चलाते रहे, हर एक प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेकिन कोरोना जैसी महामारी में हो सकता है सही बात होता हो, लेकिन सामान्य जीवन में हम सबको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा कि पहले से की गई तैयारी और बचाव के प्रति जागरूकता हमें किसी भी बीमारी और महामारी से बचाव करने का सर्वोत्तम उपाय बताता है। और इस दिशा में एक प्रयास हम सबके स्तर पर होना चाहिए, हम सबको इस बात को मानना चाहिए कि नर्सिंग का जो क्षेत्र है यह पूरी स्वास्थ्य सेवाओं की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये जितनी मजबूत होगी, जितनी सशक्त होगी, जितनी समर्थ होगी, स्वास्थ्य सेवाएं उतनी सशक्त और उतनी समर्थ होती भी दिखाई देंगी। ये चुनौती आज भी हमारे सामने बनी हुई है और खासतौर पर बालिकाओं की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के अंदर कुछ चुनौतियां हम सबको निरंतर झकझोरती हैं, खासतौर पर जब हम प्रदेश के अंदर बाल मृत्यु दर देखते हैं और मातृ मृत्यु दर देखते हैं। ये आंकड़े कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में अभी भी महिलाओं में जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव है। इसको और इसके दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है, जागरूकता के साथ साथ शासन की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये आंकड़े तभी नियंत्रित होंगे और तभी हम इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। और दूसरा, जो आपने आज अपने शपथ ग्रहण समारोह के साथ यहां पर संकल्प लिया है, खासतौर पर स्वास्थ्य की उन्नति के बारे में, बीमारियों की रोकथाम के बारे में, स्वास्थ्य सेवाओं की पुनर्स्थापना के बारे में और एक मरीज की पीड़ा से मुक्ति के बारे में कि उसकी पीड़ा को कैसे आप मुक्ति दे सकते हैं। याद रखना, आपका एक एक क्षण और एक एक समय जब आप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रशिक्षण को लेना और इसमें स्वास्थ्य सेवा की उन्नति में अपना योगदान देना, आपकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा, बीमारियों की रोकथाम के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, उन सभी संकल्पों के साथ जोड़ना जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए अनिवार्य होती है। सरकार के द्वारा समय समय पर कोरोना के लिए हम लोग क्या कहते थे कि व्यक्ति बार बार हाथ धोए, अगर किसी वस्तु को उसने छुया है तो सैनिटाइजर से एक बार हाथ को साफ कर ले, मास्क अनिवार्य लगाए, एक सामान्य जानकारियां आ रही थी और सामान्य रूप जागरूकता इसी क्रम में आगे बढ़ा रहे थे।
और दैनिक जीवन में भी इसका अपना महत्व है। तो बीमारियों की रोकथाम करने के लिए इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है जागरूकता के कार्यक्रमों की। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग अपने स्तर पर बेहतर कार्य कर सकते हैं। आप शासकीय क्षेत्र में जाएंगे, आप निजी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ मरीज और मरीज के परिवारजनों के विश्वास पर खरा उतरना, यह हमारा कार्य होना चाहिए। और उसके माध्यम से किसी भी मरीज की पीड़ा को मुक्ति देने की दिशा में हमें अपने स्तर पर अपने व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति को ऐसे लेके चलना है जिससे उसको वास्तव में इस सेवा के माध्यम से उसको एक नई राहत महसूस होती भी दिखाई दे। अगर यह कार्य नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण का कार्य पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ करती हैं, तो अपनी सेवाओं के माध्यम से वह मरीज, मरीज के परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत अविस्मरणीय सेवा कर सकती हैं। और यह एक चुनौती आप सबके सामने होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज बसंत पंचमी के अवसर पर गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग अपने इस दीप प्रज्वलन और सेवा शपथ समारोह के साथ इस कार्यक्रम को जब आगे बढ़ा रहा है, मैं पिछले लगभग 11-12 वर्षों से इस कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहा हूं और मैं नजदीक से देखता रहा हूं कि यहां पे नियमित प्रशिक्षण भी चलता है, क्लासेज चलती हैं, लैब और लेबोरेटरी में प्रशिक्षण जाती हैं, चिकित्सालय में जाती हैं, अपने अन्य सभी प्रकार के प्रशिक्षण को समयबद्ध ढंग से लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं और बाद में फिर सेवा के अलग अलग फील्ड में जाकर के। बहुत विस्तृत क्षेत्र है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि नर्सिंग क्षेत्र में आज के दिन पर कहीं भी रोजगार और नौकरी की कोई समस्या नहीं है। थोड़ा भी प्रयास कर लेंगे, न केवल आप, आपके स्वयं के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि समाज के स्वास्थ्य के लिए भी यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में भी यह आपके कदमों को और मजबूती प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने MSc पाठ्यक्रम भी यहां पर प्रारंभ किया है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि विश्वविद्यालय ने MSc नर्सिंग के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग को दी। मुझे याद है जब गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का BSc का पाठ्यक्रम प्रारंभ होना था, 2012 में सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी उसे मान्यता मिलने में 4 साल का समय लगा था। लेकिन इस बार जो BSc नर्सिंग का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद यहां से निकलेंगे उन छात्राओं के लिए, उन प्रशिक्षुओं के लिए MSc नर्सिंग और इस फील्ड में और भी बेहतर करियर के लिए एक नया अवसर गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग उपलब्ध करा रहा है यहाँ की बालिकाओं के लिए। यह एक सुनहरा अवसर लेकर के जो एक कॉलेज आया है, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग आया है, मैं इसके लिए इस व्यवस्था से जुड़े हुए यहाँ के निदेशक, कॉलेज के प्राचार्य और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए जितने भी गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के हमारे चिकित्सक हैं, पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर UP सिंह जी के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी नर्सिंग कॉलेज के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी के द्वारा जो एक बेहतर प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मेरा विश्वास है कि गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का MSc पाठ्यक्रम और उसके बाद आगे का पाठ्यक्रम भी यहां पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा करके स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी में अपना योगदान देगा। आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बसंत पंचमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। इस कार्यक्रम में